नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, आज उन फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, बहुत जल्द हम आपके लिए एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। सीरीज कौन सी है? इस सीरीज में हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी के संविधान को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर और एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगी। हमारी जो सीरीज शुरू होगी उसके लिए जो हमारी डेमो क्लास होगी, एक डेमो क्लास हम लेंगे जो 30 तारीख को अपलोड की जाएगी संविधान की अनुसूचियों की सॉरी। तो दोस्तों, संविधान की अनुसूची पढ़ेंगे। यदि वह वीडियो आपको पसंद आती है और आपका रिस्पांस उस वीडियो पर अच्छा होता है तो हम आप आगे अपनी वीडियो को लेकर चलेंगे और ऐसे ही चलते चलते हम पूरे संविधान को कवर कर जाएंगे, जो भी जो बिल्कुल निःशुल्क होगा। कैसा होगा? बिल्कुल यह निःशुल्क होगा, यह आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। लेकिन बस आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है। हमारी जो वीडियो होगी डेमो वीडियो, वह आपको अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करनी है ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता लगे। बिल्कुल गहर दोस्तों, आप चाहे किसी का भी आपने अभी तक बैच पढ़ा हो, इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं, आपने इनका बैच पढ़ा हो, आप एक बार हमारी वीडियो ज़रूर देखना। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और इसके साथ साथ जितने और महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताकर चलूँगा। तो उम्मीद करता हूँ हमारी जो सीरीज है जो शुरू होने वाली है 30 तारीख में, जिसका हम डेमो एक क्लास आपको देंगे, यदि उस डेमो क्लास पर आपका जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा रहा तो हम आगे अपनी वीडियो को कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो बस थोड़ा सा आपसे हम सपोर्ट की उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें और हमारी जो डेमो वीडियो होगी जो 30 तारीख में अपलोड की जाएगी वह आप ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज हम पंचवर्षीय योजना देखेंगे, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। देखिए सबसे पहले योजनाओं का काल कैसे कैसे रहा। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आर्थिक नियोजन समिति, इसका गठन किया गया था। प्रश्न ये भी बन सकता है कि आर्थिक नियोजन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। इसके बाद आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। ये दिनांक आपको याद रखनी है, भले ही योजना आयोग अब खत्म कर दिया गया हो लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। 15 मार्च 1950 को हुई थी और किसकी सिफारिश पर हुई थी, ये बात आपको जरूर पता होना चाहिए। ये जो समिति थी आर्थिक नियोजन समिति, इस समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि जो नीति आयोग है या योजना आयोग है, योजना आयोग के स्थान पर 2015 से नीति आयोग को लागू किया गया है। अब इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अब चाहे वो योजना आयोग हो या फिर वह नीति आयोग हो, इन सबके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई थी, ये आपको याद रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना की दिनांक क्या थी? तो 1 अप्रैल 1951 योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और जो प्रथम उपाध्यक्ष थे, ये आपको पता होना चाहिए, उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी पहले उपाध्यक्ष थे। तो पहला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये पूछे जाते हैं, इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और 2015 से नीति आयोग को लागू कर दिया गया। कब से? 2015 से नीति आयोग को लागू किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम देखेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। पहली पंचवर्षीय योजना, देखिए
जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका जो कार्यकाल था 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल माना जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमोर मॉडल पर आधारित थी। मॉडल आपको पता होना चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी और ये जो दो तीन स्टार्टिंग की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनका मॉडल आपको याद होना चाहिए क्योंकि इनका मॉडल अक्सर पूछ लिया जाता है। जो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसका जो मॉडल था हैरोल्ड डोमोर मॉडल पर यह आधारित थी और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। इस योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। यदि बात आए कि जो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका प्राथमिकता का क्षेत्र क्या था तो वह थी एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत एक आपको पता है कृषि प्रधान देश है और उस समय हमारे उद्योग इतने डेवलप थे नहीं, तो हमने क्या काम किया, हमारी जो एग्रीकल्चर था, जो हमारी जो कृषि थी उसी को हमने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। देखिए हमने GDP का जो वार्षिक लक्ष्य रखा था वह 2.1% रखा था। ये योजना सफल सिद्ध हुई थी क्योंकि इसमें देखिए हमने लक्ष्य रखा था 2.1% का, लेकिन हमें जो प्राप्ति हुई थी वह 3.6% की हुई थी। ठीक है, तो इस पंचवर्षीय योजना में आपको ये चीजें याद रखनी है। इसमें दो तीन ये देखिए आप लोग योजना इसमें शुरू की गई थी, जैसे व्यास नदी परियोजना, दामोदर परियोजना, नदी घाटी योजना, ये इसी में शुरू की गई थी। अब ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहला, पंचवर्षीय योजना की दिनांक क्या थी, 1951 से 1956 तक। दूसरी, यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तीसरी, इसकी प्राथमिकता का क्षेत्र क्या था, तो यह था कृषि पर यह आधारित थी। लक्ष्य रखा गया था 2.1% का, प्राप्ति हुई थी 3.6% की। ठीक, तो ये कुछ चीजें थी जो इस पंचवर्षीय योजना में आपको याद रखनी है। दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वितीय, इसका जो कार्यकाल माना जाता है 1956 से 1961 तक इसका कार्यकाल है। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महलनोबिस मॉडल पर आधारित है। हमने क्या कहा आपको कि आपको ये जो मॉडल है ये आपको जरूर याद रखने हैं, पहले हैरोल्ड डोमोर मॉडल पर, दूसरी PC महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू हुई थी। समाजवाद धारणा की स्थापना करना योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था दूसरी का, यह समाजवाद धारणा की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। इसके साथ साथ में जो इसका और एक मेन उद्देश्य माना जाता है जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका आधार क्या था, कृषि, और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसका आधार है उद्योग। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योगों पर ध्यान दिया था। तो ये पूछे जाते हैं पहली की क्या है और दूसरी का क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन कारखाने लगाए गए थे, पहला दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। ये भारत ने स्वयं नहीं लगाए थे बल्कि अन्य देशों के सहयोग से इन्हें लगाया गया था। देखिए दुर्गापुर यह ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था, भिलाई यह संयुक्त राष्ट्र के, एक सेकंड सॉरी, ये था भिलाई सोवियत संघ, ठीक है, जिसे आज हम रूस बोलते हैं, उसके सहयोग से लगाया गया था, और ये था राउरकेला, ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। तो ये तीनों भी आपको पता होना चाहिए, दुर्गापुर, ब्रिटेन, भिलाई, सोवियत संघ, और जो राउरकेला है ये आपका जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। अब चलते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1961 से लेकर 1966 तक है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह था कि देश में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है। चलिए अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जैसे हमारी पहली पंचवर्षीय योजना का हमने लक्ष्य क्या रखा था, ये कृषि पर बेस होगी, दूसरा उद्योगों पर बेस होगी, तो ये जो हमारी तीसरी थी यह कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता इसमें दी गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में, यानी कि जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, इसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। और यह जो हमारी योजना थी यह असफल रही थी, ये आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो असफल रही थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है जो असफल रही थी। असफल होने के देखिए इसमें क्या कारण थे, उस समय भारत चीन युद्ध चल रहा था, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, इन्हीं युद्धों की वजह से ये जो पंचवर्षीय योजना है यह असफल रही थी। चलिए
योजना अवकाश 1966 से लेकर 1969 तक का जो काल माना जाता है वह योजना अवकाश का काल माना जाता है। योजना अवकाश के समय तीन प्रमुख वार्षिक योजनाओं को तैयार किया गया था। इस योजना के समय कृषि और उद्योग क्षेत्र को काफ़ी प्राथमिकता दी गई थी। भारत पाकिस्तान युद्ध, संसाधनों में काफ़ी कमी, सूखा होने की, उस समय सूखा पड़ा था उसकी वजह से, तथा मूल्य में काफ़ी वृद्धि इस योजना अवकाश का कारण बनी। देखिए इतना पूछा जाता है योजना अवकाश का काल कब से कब तक था, तो आप क्या कहेंगे 1966 से लेकर 1969 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना, देखिए 1969 से 1974 तक इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति रखा गया था। इसका जो नेतृत्व किया था वह इंदिरा गांधी ने किया था। इसका जो लक्ष्य रखा गया था जीडीपी का 5.7%, लेकिन जो हमें प्राप्ति हुई थी वह सिर्फ 3.3% की ही हुई थी, इसलिए यह जो योजना थी यह असफल मानी जाती है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये आपको केवल याद रखना है। पांचवी पंचवर्षीय योजना, अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है। 1974 से 1978 तक इसका कार्यकाल है। गरीबी का उन्मूलन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है गरीबी का उन्मूलन करना किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था या लक्ष्य रखा गया था, तो आप क्या बताएंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और यहीं पर एक फेमस नारा दिया गया था जिसे कहा गया था गरीबी हटाओ का नारा। यह प्रश्न पूछा जाता है गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो यह पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, यह आपको रट लेना है बिल्कुल, ये जरूर पूछा जाता है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी और बेरोजगारी को देश से काफी हद तक कम किया गया था, ठीक। चलिए इसमें केवल आपको याद रखना है पांचवी पंचवर्षीय योजना में यही पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो आप क्या कहेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। चलिए देखते हैं अब आती है हमारी छठी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। चलिए अभी वीडियो लंबी नहीं हुई है और चलेगी। अभी छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक जनता पार्टी सरकार के द्वारा एक रोलिंग प्लान बनाया गया। इस योजना के तहत उसे रोलिंग प्लान को समाप्त कर दिया गया। रोजगार में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि और गरीबी उन्मूलन इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। गरीबी उन्मूलन ये पांचवी का भी था और छठी का भी था, यह भी आपको याद रखना है, लेकिन नारा दिया गया था पांचवी में। सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसमें दो तीन बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सातवीं जो पंचवर्षीय योजना है, देखना 1985 से लेकर 1990 तक इसकी अवधि मानी जाती है। दोस्तों मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हैं इसलिए लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों मैं बहुत जल्दी व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाने वाला हूँ, हम जो भी पढ़ाया करेंगे ऐसे ही पूरे प्रॉपर नोट्स बनेंगे और उन्हें फिर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा ताकि आपको नोट्स भी प्राप्त हो सके। तो बहुत जल्द आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी इस बारे में ज़रूर बताएं, उनके पास भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लगे और उनकी तैयारी भी थोड़ी अच्छी और हो सके। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रोजगार के अधिक से अधिक अवसर लोगों के लिए उपलब्ध कराना था। देश में तकनीकी क्षेत्रों में विकास करना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। प्रश्न बन सकता है तकनीकी क्षेत्रों में विकास करना किस योजना का प्रमुख लक्ष्य था, तो यह था सातवीं पंचवर्षीय योजना का। यह योजना राजीव गांधी के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी। देखिए इसमें एक फेमस नारा दिया गया था, भोजन काम और उत्पादन का नारा। यदि प्रश्न बन जाए भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो यह सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कौन सा नारा था, भोजन काम और उत्पादन का नारा। चलिए अब हम देखते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो काल है वह 1992 से लेकर 1997 तक है। इस योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास, रोजगार और शिक्षा पर दी गई। यह योजना पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी। इस योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 शुरू की गई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है, ये मिलान करने में आते हैं, तीन चार आपको दे दिए जाएंगे, एक तरफ स्थापना वर्ष और एक तरफ स्कीम या योजना कौन सी शुरू की गई थी, और आपसे मिलान करने को आ जाता है। देखिए तो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यह 1993 में शुरू हुई थी, ठीक है। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। इस योजना का
प्रमुख उद्देश्य समानता के साथ विकास और न्याय वितरण था। यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी। इस योजना के असफल होने का प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय मंदी थी। इस समय अंतर्राष्ट्रीय मंदी आई थी, उस वजह से यह योजना असफल हो गई थी। माइक थोड़ा हिल गया था। चलिए अब हम बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिसका कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश के अंदर गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से हटाना था। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? देश के अंदर गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से हटाना। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 वर्ष में दोगुना करना भी इस योजना का उद्देश्य था। प्रश्न बन सकता है कि प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 वर्ष में दोगुना करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो आप क्या कहेंगे? 10वीं। यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी। इस योजना में कृषि उत्पादन में 4% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 3.42% ही प्राप्ति हुई थी। अब आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेके 2012 तक, ये आपको याद रखना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य तिरुतम और समावेशी विकास है। ये 11वीं और 12वीं, इनका आपको पता होना चाहिए कि इनका उद्देश्य क्या था। तो 11वीं का था तिरुतम एवं समावेशी विकास। यह योजना मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी। इस योजना में जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य 9% रखा गया, जबकि वृद्धि केवल 8.3% की हुई थी। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो तिरुतम एवं समावेशी विकास। यह इसका कार्यकाल कब तक है? 2007 से लेकर 2012 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। इसका उद्देश्य तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास रखा गया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। क्या था उद्देश्य? तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। यह योजना मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी। जीडीपी का लक्ष्य 9% रखा गया था, जिसमें संशोधन करके बाद में 8% यानी कि 1% लक्ष्य घटा दिया गया था और 8% बाद में रखा गया था। इसमें कृषि मत्स्य क्षेत्र 4% का लक्ष्य, कृषि में 4% का लक्ष्य, मत्स्य क्षेत्र में 4% का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्रों में 10% का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 12वीं तक पंचवर्षीय योजनाएं हमने आपको कंप्लीट करा दी। अब हम देखेंगे थोड़ी सी 2-3 बातें जो है नीति आयोग से, नीति आयोग के बारे में। देखिए, भारत में 1 जनवरी 2015 में एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग को अस्तित्व में लाया गया। यहाँ से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। योजना आयोग को कब खत्म किया गया? तो 2014 में। नीति आयोग को कब लाया गया? तो 1 जनवरी 2015 में। ये आपको पता होना चाहिए, 1 जनवरी 2015। योजना आयोग की जगह यानी कि योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, कब खत्म किया गया था? 2014 से। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया। जैसे ही 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, उसके साथ ही पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट एक्शन प्लान पेश किया। देखिए, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपको पता होने चाहिए। आप कुछ और पढ़े या ना पढ़े, लेकिन जिन्हें मैंने हाईलाइट कर रखा है ये आपको जरूर पढ़ने हैं। नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट एक्शन प्लान पेश किया, जिसके आधार पर अब 15 वर्षों के लंबे विकास योजना पर काम किया जाएगा। पहले पंचवर्षीय योजनाएं 5 वर्ष की होती थी, लेकिन अब जो योजनाएं होगी वह 15 वर्ष की होगी। और अभी जो योजना चल रही है करंट में, 2017 से 2035 तक यह योजना रहेगी, जिसके तहत 7 वर्ष की रणनीति बनाई गई। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से नीति आयोग से आपको क्या याद रखना है? नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। 15 वर्षों के लिए यह रणनीति बनाती है। अभी जो रणनीति चल रही है या जो पंचवर्षीय योजना चल रही है, 2017 से लेकर 2035 तक ये रहेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतने ही बात करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक बार फिर बता दूं, बहुत जल्दी हम अपना एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको भारत के संविधान को बिल्कुल गहराई से पढ़ाया जाएगा। हमारी जो डेमो वीडियो है
यानी कि हम कैसे पढ़ाएंगे, वह आपको 30 जो आने वाली 30 तारीख है, 3-4 दिन के बाद, इसी में आपको ये डेमो वीडियो मिल जाएगी जो आपके लिए आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। जो 30 अक्टूबर आएगा, 30 अक्टूबर को डेमो वीडियो होगी। यदि आपका अच्छा, मैं बोलता हूँ आपका सपोर्ट मुझे अच्छा रहा, अच्छा मिला, और वीडियो को कम से कम 500 व्यू तो उस वीडियो पर होने ही चाहिए, तभी हम आगे वीडियो बना पाएंगे, तभी तो हमें कुछ मोटिवेशन प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के पास आप उस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शेयर तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लें, लाइक ज़रूर करते रहें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।